स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। और अभी हम मौजूद हैं चंडीगढ़ डेराबसी में। ये है हिम्स आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। और अभी इससे पहले जैसे हमने आपको हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी जो है, जो वार्ड है वहाँ पर हम आपको लेकर गए थे और पेशेंट से मुलाकात करवाई थी, तो अभी हम जा रहे हैं पंचकर्मा वार्ड में, जहाँ पर अक्षय तर्पण और अलग अलग तरीके की पंचकर्मा थेरेपीज जो हैं वहाँ पर चल रही हैं। तो जितने भी पेशेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उनसे अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि उनकी फ़िलहाल की जो स्थिति है वो क्या है। हम अभी फ़िलहाल जो है पंचकर्मा वार्ड में मौजूद हैं और ये जो थेरेपी अभी आप देख रहे हैं ये जानू बस्ती थेरेपी है और इसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम पेशेंट से बात करते हैं। गुरप्रीत सिंह जी, आप कैसे हैं? आप ठीक है मैम। अच्छा, कहाँ से आप? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से ही हैं? हाँ जी। क्या दिक्कत हो रही थी आपको? मेरे कमर में और घुटनों में प्रॉब्लम थी। अच्छा, कब से दिक्कत हो रही थी ये सब? ये मैम घुटनों में तो 6 महीने से है और कमर में तो 10 साल पुरानी है। अच्छा, तो इसकी दवाइयाँ वगैरह आप ले रहे थे? ट्रीटमेंट लिया आपने? बाहर ट्रीटमेंट लिया पर रिलीफ नहीं मिला। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, हिम्स में फिर कैसे पता चला हिम्स के बारे में आपको? हिम्स मैम हमारे चंडीगढ़ में भी है पर वहाँ छोटा है। हाँ हाँ। तो वहीं से पता चला, तो फिर हम यहाँ आए, तो यहाँ पर घुटनों में ठीक है। अच्छा। हाँ जी। कितने दिन हुए अभी आपको? अभी आज मैम 6ठा दिन है हमारा। अच्छा, घुटनों में दर्द जानू बस्ती जो ये थेरेपी दी जा रही है इससे कोई फर्क है आपको? हाँ जी, हाँ जी मैम 100% रिलीफ है यहाँ से। अच्छा, और कमर दर्द में? कमर दर्द में अभी ठीक है मैम। अच्छा, मलकी पहले आप दवाइयाँ ले रहे थे? नहीं, दवाइयाँ नहीं, वैसे ऐसी मालिश मुलिश कराई थी। अच्छा, मालिश वगैरह करा ली थी। हाँ जी। तो मालिश से कोई आराम? थोड़ा आराम मिलता था, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता था। अच्छा, यहाँ पर आपकी डाइट क्या है? डाइट मैम जो हॉस्पिटल देता है मिनट्स की, मिलेट्स फ्रूट्स वगैरह। हाँ जी, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है, नारियल पानी है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अब हम इस थेरेपी के बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं डॉक्टर मंजू? बेसिकली ये जानू शूल, मतलब इसमें बोलते हैं नी पेन रहता है, ये वात दोष की वजह से रहता है। ओके। और वात में बेसिकली पेन रहेगा आपको, ड्राइनेस रहेगी, उसके लिए हम लोग तेल यूज करते हैं, दैट्स व्हाई देयर इज जानू बस्ती। ओके, ठीक है। सो दिस इज मेडिकेटेड ऑयल, राइट? इट इज मेडिकेटेड ऑयल। ओके, एंड व्हाट अबाउट द डो? इट इज उड़द का आटा। उड़द का आटा, तो इससे भी कोई इफेक्ट पड़ रहा है? यस, बेसिकली एक तो इसकी प्रॉपर्टी रहती है उष्ण, ठीक है, ये इसकी जो तासीर बात करें ये गर्म रहता है। सेकंड वन इज इट्स स्टिकी नेचर, दैट्स व्हाई देयर इज नो लीकेज ऑफ ऑयल। तो इसे मतलब अगर किया जाए तो घुटनों के दर्द से रिलीफ? बिल्कुल, मिनिमम 7 डेज अगर आप थेरेपी लेते हैं तो आपको काफ़ी आराम रहता है, जैसे पेशेंट ने भी बताया अभी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो अब वक्त आ गया अपनी पैथी को बदलने का, आयुर्वेद की शरण में आने का, बीमारी की जड़ पर काम करने का। 8725887258। अभी हम पंचकर्मा वार्ड में मौजूद हैं और मेरे साथ अभी एक और पेशेंट जो है यहाँ पर मौजूद होंगे। सर, आपका नाम बताएंगे मुझे? सुरेंद्र। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं जींद, हरियाणा से। अच्छा, आपने अपनी दिक्कत बताई कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जी। और क्या दिक्कत थी? और तो कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत ही। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर हिम्स में कब आया आप? इसमें मैं 4 दिन हो गए। 4 दिन हो रहे हैं? हाँ। तो 4 दिन में क्या फर्क है? आराम है, आराम नजर आ रहा है। अच्छा, थेरेपी कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। रोज थेरेपी दे रहे हैं 4 दिन? हाँ। अच्छा, आराम है आपको? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, हम अब हम डॉक्टर से बात कर लेते हैं। डॉक्टर मंजू, आप मुझे कुछ इनकी हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं कि इनकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री क्या रही है? पेशेंट हमारे पास कार्सिनोमा लीवर विद हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव के साथ आया है, साथ में पेशेंट है, पेशेंट को स्लीप डिसऑर्डर्स भी था, पेशेंट का एनजाइटी, स्ट्रेस है, जिसकी वजह से इनको नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आफ्टर सिरोधारा पेशेंट की कंडीशन पहले से काफ़ी बेटर है। सिरोधारा ही आप लगातार 4 दिन से दे रहे हैं? नहीं, अदर थेरेपीज भी पेशेंट की चली हुई है, लेकिन बेसिकली स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए सिरोधारा एक अच्छी थेरेपी है। और किस तरीके की डाइट प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को? जैसे जो कार्सिनोमा पेशेंट्स रहते हैं उसमें बेसिकली स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, और जो सीकेडी पेशेंट्स रहते हैं उसमें डीआईपी डाइट फॉलो करते हैं। ओके ओके।
यस, इनके लिए एक अलग पूरा मील आप तैयार करते होंगे? यस बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ एक प्रॉपर डाइट अलग से पेशेंट को दी जाती है, पेशेंट टू पेशेंट थोड़ी सी वेरी भी करती है जो। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैसे सिचुएशन है अभी, क्या सुधार हुआ है? पेशेंट पहले से बेटर, सिम्टोमेटिक पेशेंट बेटर से बेटर है, लेकिन रिपोर्ट्स आफ्टर 3 मंथ्स हम लोग रिपीट करेंगे देन देखेंगे, लेकिन कंडीशन और सिम्टोमेटिकली देखा जाए तो पेशेंट पहले से बेटर है। थैंक यू सो मच। ओके ओके। घुटने दर्द, टाइनोविनाइल फ्लूइड की कमी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर किसी भी तरह का घुटने के रोग से परेशान हैं या लंबे समय से दर्दों की दवाई खा रहे हैं या डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बता दिया है, पंचकर्म में जानू बस्ती से बहुत सारे ऑपरेशन रुक चुके हैं, तो आयुर्वेद के पंचकर्म की सहायता लीजिए। 8725887258। तो अभी हम जैसे लगातार मैं आपको पंचकर्मा वार्ड्स में ले जाकर जो अलग अलग थेरेपीज़ हैं उनके बारे में बता रही हूँ, तो एक अक्षी तर्पण जो थेरेपी है वो यहाँ पर चल रही है, हमारे साथ पेशेंट भी मौजूद हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जसविंदर सिंह है, मैं करनाल से हूँ। करनाल से हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको? दिक्कत मेरे को क्रेनलाइन की थी और मेरे को आँखों पर थोड़ा दिक्कत थी, मैं यहाँ आने से पहले थोड़ा अपसेट भी हो चुका था। अच्छा। यहाँ आने के बाद पहले बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ पे, बहुत दिल से काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। यहाँ जो आपको थेरेपी दी जा रही है इससे क्या फायदा है आपको? फायदा ये है हमारे शरीर में, मतलब पहले से बहुत अच्छा लगता है यहाँ थेरेपी कराने से, बहुत बदलाव है मेरे शरीर में। अच्छा, आँखों की जो दिक्कत थी उसमें? आँखों की दिक्कत में आँखों में सुधार है। सुधार है? हाँ, यहाँ आने से पहले मैं 4 हॉस्पिटल में गया था, चारों ने मेरे को बहुत बेकार हालत में कर दिया था, यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कितने दिन हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे मेरे को आज 8वां दिन है जी। 8वां दिन। और किडनी की जो प्रॉब्लम है उसमें क्या सिचुएशन? अभी सुधार है, पहले से बहुत सुधार है। पहले से बहुत सुधार है? हाँ जी हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये अक्षय तर्पण जो है इससे क्या क्या फायदे होते हैं इसके बारे में कुछ बताएंगे? बेसिकली अक्षय तर्पण है वो अपनी आई साइट वीक रहती है उस कंडीशन में कराते हैं, ड्राइनेस ऑफ आई रहती है उस कंडीशन में अक्षय तर्पण कराते हैं। जैसे इनको क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन बेसिकली बीपी हाई या फिर डायबिटीज कंडीशन में रहते हैं, ठीक है, तो अगर साथ में हम लोग अक्षय तर्पण करते हैं तो उसमें अपनी जो कंप्लेन रहती है एसोसिएटेड कंप्लेन उनमें काफ़ी रिलीफ मिलता है आपको। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। ओके चलिए।